हाल ही में आपका एक इंटरव्यू आया था जिसमें आपने कहा था कि मैं आई एम लर्निंग द आर्ट टू से नो. टेल अस अबाउट मोर अबाउट दैट. आई एम जस्ट डूइंग द फिल्म्स दैट आई रियली वांट टू डू एंड सेइंग नो टू वेदर इट्स अ फ्रेंड जो पहले कभी किया नहीं था पास्ट में, इस साल करने की कोशिश करेंगे. करीना कपूर की कही हुई ये बातें उनकी एक अपकमिंग फिल्म के लिए क्या बनने जा रही हैं खतरे की घंटी? I'm just doing the films that I really want to do and saying no to whether it's a friend. क्या एक बार फिर करीना कर सकती हैं एक बड़े प्रोड्यूसर एंड फ्रेंड की अपकमिंग फिल्म करने से इनकार? 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है. अच्छा. रामलीला बनाने 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है. अच्छा. रामलीला बनाने. बंसाली की रामलीला के साथ हुई करीना की लीला अभी लोग भूले भी नहीं हैं और करीना ने अपनी अपकमिंग फिल्म शुद्धि को लेकर एक डाउट जताकर वेबो ने शुरू कर दी है एक नई लीला. ये लीला है शुद्धि के लिए ऋतिक की डेट्स फाइनल ना होने की लीला. बट आई डोंट थिंक अभी तक ऋतिक के डेट्स मिले हैं बिकॉज आई थिंक ही इज बिजी विद बैंग बैंग. लेकिन जब भी फिल्म होगी आप करने के लिए तैयार हैं? तब देखेंगे किस मूड में होगी मैं. लेकिन शुद्धि के लिए ऋतिक की डेट्स ना मिलने की बात अगर आपको करीना की तरफ से आया एक अपडेट भर लग रही है तो जरा करीना की कही हुई ये पूरी बात भी सुन लीजिए. बट आई डोंट थिंक अभी तक ऋतिक के डेट्स मिले हैं बिकॉज आई थिंक ही इज बिजी विद बैंग बैंग. लेकिन जब भी फिल्म होगी आप करने के लिए तैयार हैं? तब देखेंगे किस मूड में होगी मैं. जी हाँ, ऋतिक की डेट्स ना मिलने के बाद शुद्धि में ऋतिक के ऑपोजिट लीड रोल निभाने की बात अब करीना के मूड पर डिपेंड हो गई है. और अगर करीना के मुंह से निकली बात का मतलब वही है तो करण के लिए उनकी हीरोइन का ये ऐलान बन सकता है खतरे की घंटी. I'm just doing the films that I really want to do and saying no to whether it's a friend जो पहले कभी किया नहीं था पास्ट में, इस साल करने की कोशिश करेंगे. फिर इस मामले में सबसे गौर करने वाली बात ये है कि भले ही नो कहने का आर्ट करीना 2014 में सीख रही हो पर ऐसा वो पहले भी कर चुकी हैं. 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है. अच्छा. रामलीला बनाने. संजय लीला बंसाली की फिल्म रामलीला के लिए हाँ कहने के बाद बेबो का इस फिल्म को छोड़ देना अब भी सबको याद है. तब भी रिपोर्टेडली करीना ने फिल्म छोड़ने का इरादा फिल्म के लीड स्टार की वजह से बनाया था और अब की बार भी करीना ने फिल्म के लीड एक्टर ऋतिक से डेट्स न मिलने की मजबूरी गिनाई है. ऐसे में उम्मीद है कि करण कॉफी की स्मेल लेकर जल्दी नींद से जाग जाएंगे. अभी करण जौहर से मैं मिली नहीं हूँ बट आई डोंट थिंक अभी तक ऋतिक के डेट्स मिले हैं बिकॉज आई थिंक ही इज बिजी विद बैंग बैंग. लेकिन जब भी फिल्म होगी आप करने के लिए तैयार हैं? तब देखेंगे किस मूड में होगी मैं. फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई.